गुड मॉर्निंग क्लास टू, वेलकम टू माई चैनल स्कूल सॉल्यूशन। एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर वन, एंड दैट चैप्टर इज माई क्लास रूम। यू नो दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम योर इंग्लिश कन्वर्सेशन पार्ट टू। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर माई क्लास रूम। इन दिस चैप्टर रोहित एंड मोहन आर टॉकिंग इच अदर। एट फर्स्ट रोहित सेड माई क्लास रूम इज वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल। ओके, रोहित ने कहा अपने क्लास रूम के बारे में कि मेरा क्लास रूम जो है वो बहुत ही बड़ा और सुंदर है। तो इसके बाद मोहन ने कहा इवन माइंड टू, यानी कि मेरा भी क्लास रूम बड़ा है। ओके, एंड इसके बाद रोहित ने मोहन से क्वेश्चन किया हु इज़ द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। ओके, तो हु इज़ द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, यानी कि तुम्हारे क्लास का मॉनिटर कौन है। मोहन ने कहा आई माई सेल्फ, यानी कि मैं स्वयं हूँ, मैं खुद हूँ। इसके बाद रोहित ने कहा माई क्लास टीचर इज़ श्री डी के धनुका। तो रोहित ने अपने क्लास टीचर के बारे में बताया कि मेरे क्लास टीचर श्री डी के धनुका हैं। इसके बाद मोहन ने भी अपने क्लास टीचर के बारे में एक्सप्लेन किया। उसने कहा माई क्लास टीचर इज़ मिस सोनाली चटर्जी। तो मेरे क्लास टीचर जो हैं वो मिस सोनाली चटर्जी हैं। इसके बाद रोहित ने पूछा इज़ देयर एनी ब्यूटीफुल पिक्चर इन योर क्लासरूम, मतलब क्या तुम्हारे क्लासरूम में कोई सुंदर तस्वीर, कोई भी सुंदर तस्वीर है। तो मोहन ने कहा ओ यस, देयर आर ए नंबर ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो मोहन ने कहा कि हाँ हाँ, क्लासरूम में बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। इसके बाद रोहित ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया हु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है। तो मोहन ने कहा मनीषा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो मनीषा मेरे क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। इसके बाद रोहित ने फिर अगला क्वेश्चन किया कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो इसके बाद मोहन ने बताया कि संजय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो संजय मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। इसके बाद रोहित ने फिर अगला क्वेश्चन किया डू यू कीप योर क्लासरूम क्लीन, तो क्या तुम अपने क्लासरूम को साफ सुथरा रखते हो। तो मोहन ने कहा यस वी कीप इट वेरी नीट एंड क्लीन, हाँ मैं अपने क्लासरूम को, यानी कि हम लोग, मैं ही नहीं, हम लोग अपने क्लासरूम को बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ये कन्वर्सेशन का पहला चैप्टर माई क्लासरूम। तो मुझे बताएंगे कि आपको यह चैप्टर या कन्वर्सेशन कैसा लगा, और इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर टू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।